नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर ऑप्टिकल सोर्सेज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने लेज़र का अध्ययन किया था, जिसमें लेज़र के जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेज़र का हमने लास्ट सेशन में अध्ययन किया था, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन किस तरह से होता है उस सारी प्रक्रिया का अध्ययन किया। आज के सेशन में हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेज़र को कंटिन्यू करते हुए इसमें वो उस तरह के प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे जिसमें हमारे पास एनर्जी के दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। ऐसे सिस्टम जो दो या तीन एनर्जी के लेवल्स होते हैं, जिन सिस्टम्स में उन सिस्टम्स में किस तरह से आपकी लेज़र काम करता है, किस तरह से उसमें स्टीमुलेटेड एमिशन होता है, वो सारा हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेज़र में जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द सिस्टम सिस्टम हैविंग थ्री और फोर एनर्जी लेवल, यानी ऐसे वो सारे सिस्टम जिसमें तीन या चार एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनको हम इसमें कोशिश करेंगे समझने की कैसे वो उनमें प्रोसेस होता है। तो जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसमें कि हमने ये कहा था कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन जो है वो मिनिमम एनर्जी लेवल में होते हैं, यानी जो कंडक्शन बैंड है उसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस बैंड में रहते हैं, तो जो लोअर एनर्जी लेवल है। तो जब हमें लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, अगर हमें रेडिएशन चाहिए एक लेज़र से, हमें वो चाहिए, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट करना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बेसिकली ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन मिल सके। और जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में जब मूव कर जाते हैं उसके बाद वो बहुत, क्योंकि उच्च एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम समय के लिए स्टेबल रहता है, उसके बाद वो एनर्जी का लॉस करके वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वहाँ से हमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस के लिए हमने पंपिंग की थी। पंपिंग के माध्यम से हमने जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वैलेंस बैंड में ज़्यादा थी उनको कंडक्शन बैंड में किया था, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो तीन या चार एनर्जी स्टेट में भी होता है, तो उसी को हम देखेंगे कैसे हम करते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें एनर्जी का जो लेवल है, जैसे आपका एक ग्राउंड लेवल हो गया जिसे हम कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल, E0 लेवल है, इट्स अ एनर्जी स्टेट का लोअर लेवल है। एक आपका हाईएस्ट लेवल है, एनर्जी का स्टेट है E2, और इसके बीच में एक स्टेट और हम कंसीडर करते हैं इसमें, यानी कि तीन स्टेट हैं। वन इज लोअर एनर्जी स्टेट जिसे हम E0 के नाम से जानते हैं, अगला जो है उसमें दैट इज कॉल्ड E1, E1, ठीक है। तो ये लोअर एनर्जी लेवल है, दैट इज कॉल्ड लोअर एनर्जी लेवल, लोअर लेवल, दिस इज हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल, और ये जो स्टेट है थर्ड, दैट इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट, मेटाबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो जब हम किसी पॉपुलेशन इन्वर्जन के माध्यम से, जब हम किसी भी जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो लोअर एनर्जी लेवल में हैं, जब हम उनको किसी भी फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से, ठीक है, जब हम उसे पंप करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो पंपिंग की क्रिया की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके लोअर एनर्जी लेवल से मूव करके हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू दी पंपिंग, ये पंपिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। पंपिंग की वजह से क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में मूव कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से देट विल मूव टू दी हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, वो हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाए। तो पंपिंग की क्रिया में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके जो आपका हायर एनर्जी लेवल है इसमें ज्यादा होंगे,
ठीक है। तो इस क्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो कि लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा है उनको हम पंपिंग के माध्यम से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देते हैं। एक तरह से हम उन इलेक्ट्रॉन्स को उकसा देते हैं, उन्हें उकसा के E2 स्टेट में पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत तेजी से अपनी एनर्जी खोते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। एक तरह से एनर्जी खोकर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दे विल कम बैक इन टू दी रैपिड डिके होगा इनमें एक, यानी बहुत तेजी से अपनी एनर्जी खोएंगे, ये कहलाता है रैपिड डिके। यानी जो एनर्जी इन्होंने गेन करी थी और हायर स्टेट में पहुंच के बहुत तेजी से एनर्जी खो करके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। मेटा स्टेबल स्टेट इसको कहते हैं मेटाबल स्टेट, ठीक है, जिसको हम E1 स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारा E2 स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में, वो रैपिड डिके के द्वारा या तो E1 स्टेट में जाएगा या फिर ये सीधा E0 स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है। और हमारी E2 E1 स्टेट में जाने के कारण इसमें नॉन रेडिएटिव जो एमिशन है वो होगा। अगर नॉन रेडिएटिव एमिशन होता तो हमें वहां पर लाइट नहीं मिलता, ठीक है। इसकी वजह से E2 क्या है, E2 यहाँ से खाली होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके लोअर स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रैपिड डिके के द्वारा मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक स्टे करता है, ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ एकत्रित हो जाते हैं आपकी मेटा स्टेबल स्टेट में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटा स्टेबल स्टेट में, इनकी संख्या E0 स्टेट से ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से हम अगर E0 और E1 में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E1 इज मच मच ग्रेटर देन एज कंपेयर टू E0। तो एक तरह से E0 और E1 में कंपेयर करें तो E0 से E1 में एक तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और E0 E1 में जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तो हमने पिछले वाले सेशन में देखा था, जब भी दो स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो वहां पर स्टीमुलेटेड एमिशन होता है। स्टीमुलेटेड एमिशन में क्या है कि कोई एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, मतलब एक्साइट करता है और उनको उसको बाध्य करता है, उसको उकसाता है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करे, तो वो फोटोन रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि एक फोटोन किसी दूसरे फोटोन को एनर्जी करने के लिए कारण होता है, फोटोन जनरेट करने के लिए एक कारण माध्यम बनता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये यहाँ पर एक क्या है, जब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये जो आपकी मेटा स्टेबल स्टेट है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और ये हायर एनर्जी स्टेट है बैलेंस बैंड से या लोअर एनर्जी लेवल से, तो कंपेरेटिवली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है फिर वो अपनी एनर्जी को लॉस करके वो मूव करता है आपका लोअर एनर्जी लेवल में। जब ये लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा तो यहाँ से आपकी फोटोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ से फोटोन क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी थ्री स्टेट के लेवल में होती है, ठीक है। तो तीन ऊर्जा वाले जो स्तर हैं वो दो ऊर्जा वाले स्तर से, तीन या चार ऊर्जा वाले स्तर जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। दो ऊर्जा वाला जो स्तर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए जितने के तीन या चार वाले होते हैं। उसका कारण ये है कि इनके बीच में एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक के लिए स्टे करता है, ठीक है। तो ये आपकी लेजिंग प्रक्रिया होती है। इसके अलावा एक और लेवल होता है, एक और सिस्टम होता है जिसमें चार लेवल होती हैं, ठीक है, चार मतलब लेवल होते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला लेवल हमारा होगा जिसे हम E0 से कहेंगे, और एक आपका हायर एनर्जी स्टेट होगा दैट इज कॉल्ड E0 E3 कह दीजिए इसको, क्यों हम चार स्टेट कह रहे हैं। तो इसके बीच में दो स्टेट क्या है, वो मेटा स्टेबल स्टेट होते हैं, ये मेटा स्टेबल स्टेट है। तो इसमें ये वाला जो स्टेट है इसे अगर हम E1 कह दें और इसको E2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल हो गया, ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, दिस इज हायर एनर्जी लेवल। इसके बीच में ये दो जो हैं ये मेटा स्टेबल स्टेट कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, मेटा स्टेबल स्टेट। तो वही प्रक्रिया कैसे होगी कि हम सबसे पहले पंपिंग करेंगे, पंपिंग के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लोअर एनर्जी लेवल में ज्यादा है उनको पंपिंग के माध्यम से आप क्या करते हैं, आप हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचा देते हैं।
हायर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन के माध्यम से, पंपिंग के माध्यम से पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रोसेस आप करते हैं, जिससे जो जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में ज़्यादा थे वो पंपिंग के माध्यम से हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, लेकिन ये हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा देर नहीं रहते। एक रैपिड डिके होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैपिड डिके होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। ये रैपिड डिके कहलाता है, इट इज कॉल्ड रैपिड डिके। ये रैपिड डिके के कारण ये क्या करते हैं, आपके मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। और मेटा स्टेबल स्टेट में आने के बाद जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एकत्रित होने लग जाते हैं, कुछ ज्यादा देर तक यहाँ रुकते हैं, उसके बाद ये लेजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेजिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि एक फोटोन कोई दूसरा फोटोन रिलीज करता है स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन करके वो क्या करता है, एक फोटोन रिलीज करता है। तो यहाँ जो है ये प्रोसेस लेजिंग कहलाती है, लेजिंग, ठीक है, ये हम पिछले सेशन में भी देख चुके थे। तो यहाँ से जो फोटोन है वो रिलीज होता है आपका। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटास्टेबल स्टेट E2 से E1 में आते हैं एनर्जी लेकर, फिर रैपिड डिले के कारण ये आपके रेस्ट में आ जाते हैं, यानी कि आपके जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड स्टीमुलेटेड एमिशन, ठीक है, एक ऐसा एमिशन है जिसमें मतलब चार ऊर्जा स्तर, चार एनर्जी लेवल और 3 एनर्जी लेवल में हमने पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्जन के माध्यम से लेजिंग की प्रक्रिया देखी, जिसमें एक स्टीमुलेटेड एमिशन होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देता है और उसको बाध्य करता है कि वो आपका यानी जो हायर एनर्जी स्टेट का जो फोटोन है, उच्च ऊर्जा स्तर का फोटोन, दूसरे एटम को एक्साइट कर देता है और उसको एक दूसरा फोटोन रिलीज करने के लिए एटम को एक तरह से बाध्य कर देता है, ठीक है, और उसे E1 स्टेट में निम्न ऊर्जा स्तर में आने के लिए बाध्य करता है। ये प्रोसेस जो है स्टीमुलेटेड एमिशन कहलाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीमुलेटेड एमिशन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास होता है जनरल जो प्रिंसिपल हमने देखा फॉर द सिस्टम विच हैव मोर देन 2 एनर्जी लेवल्स, उनमें किस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन और ये प्रोसेस होती है वो हमने देखा। इसके बाद अगला जो आता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फीडबैक एंड लेजर ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फीडबैक एंड लेजर ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकल फीडबैक एंड लेजर ऑसिलेशन किस तरह से होते हैं। तो पीछे वाले अभी टॉपिक में हम पीछे वाले सेशन में टॉपिक में हमने अभी स्टडी किया कि जब स्टीमुलेटेड एमिशन होता है तो स्टीमुलेटेड एमिशन के माध्यम से जो फोटोन जो एक एक्साइटेड स्टेट में है वो किसी दूसरे एटम से टकराकर उसको एक्साइटेड कर देता है, ठीक है, और उसे अपने जैसा एक फोटोन रिलीज करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एक फोटोन के कारण 2 फोटोन जनरेट हो जाते हैं, फिर वो 2 फोटोन के कारण 2 और फोटोन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 के फिर 8 हो जाएंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लीकेशन में ये प्रोसेस चलती रहती है, इसको हम बोलते हैं एवलेंची मल्टीप्लीकेशन। इसे क्या बोलते हैं, एवलेंची मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम जितने भी फोटोन जो हमारे निकल रहे हैं, जब वो फोटोन जब रिलीज होते हैं, अगर वो फोटोन सारे फोटोन एक ही फेज में है तो हमें जो भी एमिशन मिल रहा है वो कोहरेंट एमिशन है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी इससे निकल रही है फोटोन्स के माध्यम से, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर जितने भी फोटोन्स हैं वो सारे एक ही फेज में होते हैं तो उसको हम कहते हैं कोहरेंट एमिशन, ये हम भी हम पहले पढ़ चुके हैं, कोहरेंट एमिशन। ठीक है, तो हमें जनरली क्या है कि हमें लेजर का जो हमें चाहिए, लेजर एक्शन चाहिए, तो उस लेजर एक्शन को हमें प्राप्त करने के लिए फोटॉन्स को उसी मीडियम में रखना होगा जिस मीडियम में लेजर की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें जनरली एक ऑप्टिकल फीडबैक एंड लेजर ऑसिलेशंस के लिए हमारी कंडीशन है कि उसमें जितने भी फोटोन्स हैं वो फोटोन सारे
सेम फेज में होंगे तो वो हमारे पास कोहरेंट एमिशन होगा, ठीक है। और तो हमें क्योंकि कोहरेंट की सारी जो कंडीशंस हैं वो भी हमारी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरली जो भी हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों जो भी आपका लेजर है उसके दोनों सिरों पर आप मिरर लगा देते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर मिरर लगा दिया, और जब इसमें जो भी जो इस मिरर के बीच की जो लेंथ है उसको हमने एल माना है, ये वी कंसीडर दिस इज एल। तो ये आपका एम्पलीफिकेशन मीडियम है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफाइंग मीडियम। एम्पलीफाइंग मीडियम, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, तो इसमें हम एक प्लेन जो मिरर लगा दी हमने, इसके माध्यम से हम इसमें एम्पलीफाइंग मीडियम प्राप्त कर लेते हैं। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीफिकेशन में इसका अगर हम कर्व देखें तो जो हमें प्राप्त होता है लेजर का वो इस तरह का एक हमें कर्व प्राप्त होगा, जिसमें दिस एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे रिलेटिव एम्पलीफिकेशन। रिलेटिव एम्पलीफिकेशन, ठीक है। ये हमने दोनों को एक उस पर ले लिया और ये यहां पर एम्पलीफाइंग मीडियम हो गया। इज इट क्लियर? तो ये हमारे एक जो हमने एम्पलीफाइंग मीडियम बनाया है, तो जो भी हमारा ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा जनरली ये, क्योंकि ये दिस इज वर्क एज अ ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। क्योंकि जब जो भी हमने मिरर यहां पर लगाए हैं, जब फोटोन इस पे कई बार इस पे से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होके वापस आएगा तो एक वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, जो फोटोन गया वो वापस होके आपका बैक आया, तो ऐसे ही यहां से अगर गया तो ये बैक आया, तो क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह ये काम करता है। तो हमें इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर एक ऑप्टिकल आउटपुट हमें मिलेगा। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक ऑप्टिकल आउटपुट मिलेगा, ऑप्टिकल आउटपुट। यानी इसने हमें मिरर ने क्या किया, एक पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कराया, और फीडबैक प्रोवाइड कराने के बाद वो क्या है, एक एम्पलीफाइड ऑप्टिकल आउटपुट। तो जब फीडबैक क्योंकि आपने अगर देखा होगा सेकंड ईयर में आपने ईडी सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें फीडबैक के माध्यम से हम एम्पलीफिकेशन करते थे फीडबैक एम्पलीफायर यूज करके। तो यहां पर भी आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, वो एम्पलीफाइड आउटपुट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफाइड आउटपुट। एम्पलीफाइड आउटपुट, वो आउटपुट कौन सा, ऑप्टिकल आउटपुट, ऑप्टिकल आउटपुट आपको मिलता है, ठीक है। तो जब ये आउटपुट मिल रहा है उससे पहले ये कई बार जो क्या है वो आपका रिफ्लेक्ट होता रहता है, तो इसका जिसकी वजह से इसका क्या है, एम्प्लीफिकेशन होता रहता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये फैब्री पेरोट रेजोनेटर की तरह काम करता है, इट वर्क्स एज अ फैब्री पेरोट रेजोनेटर, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। तो जो ये जो सारी प्रोसेस है ये, क्योंकि लेजर की जो एक कैविटी है, लेजर में हमने देखा था एक कैविटी होती है, उसके भीतर ही जो ऑसिलेशंस आपके हो रहे हैं, जो ऑसिलेटर है जिसकी वजह से आपको ऑसिलेशंस मिल रहे हैं, ये लेजर की एक कैविटी होती है उसके अंदर ही ये आपको ऑसिलेशंस मिलते हैं, और जो कि एक बहुत लिमिटेड फ्रीक्वेंसी, एक छोटी फ्रीक्वेंसी के भीतर ही होते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है आपको, ये परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक ऑप्टिकल सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पाता, एक छोटा स्पेक्ट्रल बैंड इसकी वजह से हमें मिलता है, ठीक है। जैसा कि हमने ये डायग्राम में देखा, स्पेक्ट्रल बैंड इसका देखें तो स्पेक्ट्रल बैंड हमें इसका बहुत छोटा मिलता है जिसकी वजह से,
ठीक है। इस स्पेक्ट्रल बैंड को अगर आप अध्ययन करें तो इसकी एक सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम जितने सेंटर फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी सेंटर, ये हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी F1 और यहां से फ्रीक्वेंसी F2, इसके बीच में एक सेंटर फ्रीक्वेंसी आ रही है हमें कहीं पे, दिस इज सेंटर फ्रीक्वेंसी FC, ठीक है। तो हम ये FC जो है आपकी जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, आप देखेंगे कि हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए आपके रिलेटिव एम्पलीट्यूड एम्पलीफिकेशन अलग अलग है, उसका एक एवरेज लेकर हम इसमें जो स्पेक्ट्रल बैंड है इसकी, स्पेक्ट्रल बैंड का जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है उनका एक एवरेज लेकर हम इसमें से सेंटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइन, तो ये हमारा एक तरह से जनरल प्रिंसिपल ऑफ लेजर कंप्लीट हो जाता है। आगे वाले सेशन में हम पीएन जंक्शन लेजर का अध्ययन करेंगे। सो टुडे सेशन इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।